देखने वाले श्रोताओं को जुले सलाम नमस्कार। हम सब जानते हैं कि अभी हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बेतुकी सी बात, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात पब्लिक में उन्होंने डाला। एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की इस यूनिटी को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये कह के कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के मुद्दे को, लद्दाख का हिस्सा है उस मुद्दे को आप लोग उसमें हामी कैसे भर रहे हैं करके। उसमें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे नेता, लद्दाख के नेता का छिरिंग, एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन और LBA के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया कि आप हमारे भारत के एक हिस्से को हमारा नहीं है ये कैसे कह रहे हैं आप। आपकी सरकार, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी पूरे भारत के सामने ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को हम ला के रहेंगे। और लाने की बात छोड़िए, वो तो हमेशा से हमारे मैप का हिस्सा रहा है, हमेशा से हमारा पार्ट था भारत का। तो आप अभी सिर्फ अपनी कुर्सी बजाने के लिए, लद्दाख में फूट की राजनीति डालने के लिए आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप दिमाग लगा रहे हैं कि या बस हड़बड़ी में आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप सब लोग, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप लोग जाइए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को आप निकालिए, उसमें पॉइंट नंबर 14 में, सब पॉइंट नंबर 4 में, उसके भी सब पॉइंट ए को आप पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि 24 सीट्स शैल रिमेन वेकेंट इन द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं वो J&K असेंबली में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने, जिसने एक्ट पास किया, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के उसमें रखेंगे। लेकिन उसी सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है, surveyofindia.gov.in पे जाके मैप्स का जो स्टेट्स का जो लिस्ट है जिसमें मैप्स दिखता है उसको आप खोल के देखिए, उसमें गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख का दिखाया हुआ है। आप लोगों को पता भी है आप लोग कर क्या रहे हैं, या आप लोग बस राजनीति करने के लिए हड़बड़ी में सब कुछ निकाल रहे हैं, पार्लियामेंट को मजाक बना के रखा है आपने। उससे भी बड़ी बात, आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आप लोगों का मजाक बना के रखा है, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, मोदी साहब का। आप लोग जो कह रहे हैं उसका उल्टा वो लद्दाख में कह रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जब पूरा लद्दाख उनके खिलाफ हो रहा है। तो हिंदू मुस्लिम ले कारगिल में फूट डालने के लिए वो कुछ भी कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मैं हमारे MP कुर्सी का मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन जो आदमी उस कुर्सी पे अभी बैठे हुए हैं वो हम सब की नाक कटवा रहे हैं, वो शर्म की बात है। आपको अगर नहीं पता है, आप पार्लियामेंट में मेंबर हैं, आपको दिख रहा है, आपके सामने एक्ट पास हो रहा है, आपको पढ़ना चाहिए था कि जो सब क्लॉज 4 है पॉइंट 14 का, उसमें ए पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में सीट वेकेंट रखा जाएगा। और यहाँ मैप में जो है, पॉलिटिकल मैप में, उसमें लद्दाख में दिखा रहे हैं। आपको बोलना चाहिए था, आपके मुंह से आग निकलता है जब आपको कश्मीर को गाली देनी होती है, तो जब लद्दाख के हित की बात करनी होती है आप नहीं करते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि डोगरा साम्राज्य जब लद्दाख में आया था उस समय गिलगित जो है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट था, स्कर्दू एक तहसील था लद्दाख में, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जम्मू कश्मीर का एक अलग वो हिस्सा था। तो आपने जब आपने देखा कि मैप में तो लद्दाख में दिखा रहे हैं, तो ये मौका था आपको चिल्लाने का, तब क्यों नहीं चिल्लाया आपने? अभी अपने लोगों को सवाल पूछ रहे हैं आप, अपने उन लोगों को जो आप ही की सरकार को, जो भारत की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है इंडिया का पार्ट है, उनको आप सवाल पूछ रहे हैं। दिमाग है आपके अंदर? आप आइए हमारे सामने, चैलेंज करते हैं हम, आप हमारे सामने आके डिबेट कीजिए। आप आम आदमी को पकड़ के उनसे सवाल पूछ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो ये आपको शर्म की बात है? आप, मैं आप लोगों के माध्यम से ये भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे ज़रूरी बात, एक और चीज़ पे जहां ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे जंस्कार और नुब्रा का जो डिस्ट्रिक्ट का इशू है उसको भी ये लोग अभी उठा रहे हैं। उसमें हमें जो खबर मिली है उसके हिसाब से मैं जंस्कार और नुब्रा के हमारे लोगों से ये विनती करना चाहता हूं, आप लोग आंखें खोलिए। ये लोग SDM के पोस्ट पे एक IAS का ऑफिसर ला के आप लोगों की आंखों में फिर से धूल झोंकने की कोशिश करने वाले हैं।
जब तक आप लोगों को एक एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड नहीं मिलेगा, जब तक आपके वहाँ SSP नहीं आएगा, SP और DC ऑफिस नहीं बनेगा, तब तक आप लोगों को नहीं मानना चाहिए। दो इलेक्शंस पहले ये लोग इसी वादे पे निकाल चुके हैं, दो बार आप लोगों की आंखों में धूल झोंक चुके हैं, अब तीसरा इलेक्शन भी यही करके एक आप लोगों को बिना सिर पैर का डिस्ट्रिक्ट देके आप लोगों की आंखों में फिर से धूल झोंकने का, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो MP साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, आप ओपन में आइए, हमारे साथ डिबेट कीजिए, आप जाके ट्यूशन और बच्चों के मुद्दों में, आप यहाँ पे वहाँ जाके वहाँ के इवेंट्स में जाके आप लोग फालतू बातें कर रहे हैं, हम लोगों के सामने आइए, आमने सामने आके बात कीजिए। धन्यवाद।